Hello, students, welcome to Sacred Hearts online computer class. This is your computer teacher Himani Messi, and today we are going to start a new lesson Introduction to Photoshop CS6. In this class, we are going to study about the rounded rectangle tool. The rounded rectangle tool can be used to draw a rectangle that has rounded corners. All the options ऑफ़ दिस टूल आर एग्जैक्टली लाइक द रेक्टेंगल टूल दैट यू हैव used. Now, दिस इज द राउंडेड रेक्टेंगल means जो हमने पहले सीखा था कि कैसे रेक्टेंगल को draw करते हैं इस टूल में भी सेम वैसे ही options रहते हैं सिर्फ एक चीज़ का difference होता है कि इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो राउंडेड रहते हैं और जैसे ही नॉर्मल रेक्टेंगल ड्रा होता है ये भी वैसे ही draw होता है Now नेक्स्ट टूल इज एलिप्स टूल

close figures that have 3 5 6 or even more sides these options are exactly same as the rectangle tool this or it also has another option to select the number of sides on the options bar as shown in this figure you can click and type the number of the sides you want for your figure now polygon tool ek aisa tool hai jo ki wo figures draw karne ke liye use hota hai jinke sides close hote hain aur inke sides jo hote hain ya three sides five sides six aur ya phir isse zyada sides ke bhi जो close figures हमें draw करने होते हैं वो हम यहाँ पे draw करते हैं Usually स्टार्स draw करने के लिए हम polygon tool को ही use करते हैं ये ऑप्शन इसके जो ऑप्शंस होते हैं वो भी वही होते हैं जैसे कि मेरे पास रेक्टेंगल टूल में होता है बस यहाँ पे एक चीज़ क्या डिफरेंट होती है कि यहाँ पे आप साइड्स कि आपके जो शेप है जो आप ड्रॉ करना चाहते हैं उसकी कितनी साइड्स होंगे ये आप ऑप्शन बार में शो कर सकते हैं जैसे हम ये फिगर में देखते हैं कि पे हम विथ डिसाइड कर रहे हैं हाइट डिसाइड करिए बट नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं कि हमें जो भी हम फिगर ड्रॉ करें उसके कितने साइड्स होंगे एंड उसके बाद हम इसमें से क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है डायरेक्ट अगर आप उसे टिक कर देते तो स्टार भी आप ड्रॉ कर सकते हैं देन नेक्स्ट टूल इज लाइन टूल द लाइन टूल कैन बी यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन यू कैन क्लिक एंड ड्रैग ऑन द वर्क एरिया टू ड्रॉ अ लाइन ना लाइट टूल एज इट इज अंडरस्टैंड बाई इट्स नेम इट इज़ यूज टू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन और इसको सिंपल हमें कैसे यूज़ करना है इसको क्लिक करके सिर्फ ड्रैग करके हम कहाँ ले जाते हैं वर्किंग एरिया पर वहाँ पर ड्रैग करके हम इस लाइन टूल को यूज़ करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना नेक्स्ट टूल इज ब्रश टूल द ब्रश टूल कैन बी यूज टू ड्रॉ ब्रश स्ट्रोक्स टू गिव द लुक ऑफ अ पेंटिंग टू योर इमेज There are some useful options that are displayed in the option bar for the brush tool are as shown below. जैसे कि इस इमेज में हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्रश टूल के संग कई ढेर सारे ऑप्शंस जो ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं वो इस ऑप्शन बार पे अवेलेबल होते हैं क्योंकि ब्रश टूल एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ करके हम अपनी इमेज पे जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं उनके लुक को हम क्रिएट कर सकते हैं जैसे ब्रश पेंटिंग करते हैं वैसे ही यहाँ पे हम अपनी इमेज को लुक दे सकते हैं नो नेक्स्ट टूल इज ब्रश प्रीसेट पिकर द ब्रश प्रीसेट पिकर कैन बी यूज टू सिलेक्ट द वेरियस ब्रश ऑप्शंस ऑफर्ड बाय फोटोशॉप दीज ऑप्शन आर अब ब्रश प्रीसेट पिकर एक ऐसा टूल होता है जो कि फोटोशॉप में जो ब्रश के ऑप्शन दिए होते हैं उनको पिक करने में यूज़ करता है अब इसमें से जो ऑप्शन दिए होते हैं उसमें से एक ऑप्शन है ओपेसिटी This option can be used for lowering or raising the transparency of color. You can click and drag on this option to increase or decrease the transparency of brush color. When the transparency is higher, the opaque स इज मोर एंड द परसेंटेज इज़ लोअर द ट्रांसपेरेंसी इज़ लेसर नो ओपीसिटी एक ऐसा टूल होता है जो कि कलर की ट्रांसपेरेंसी को सेट करने में से उसको हाई या लो करने के लिए यूज़ किया जाता है अगर इसमें हम इसकी इसको ड्रैग करने के लिए एक बार होता है अगर हम वहाँ से इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज करते हैं अगर इंक्रीज करेंगे जैसे जैसे कि परसेंटेज हायर होगी जो उसकी ओपेकनेस होती है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है और अगर हम उसके परसेंटेज को लो कर देते हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो कम होती जाती है लेट लेटस लर्न हाउ वी कैन यूज द ब्रश टूल आफ्टर डूइंग ऑल द सेटिंग्स क्लिक ऑन द वर्क स्पेस एंड विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन ड्रैग टू ड्रॉ द फ्लो ऑफ ब्रश यू कैन सी द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ब्रश प्री सेट पिकर्स ऑप्शन एंड ओपेसिटी नाउ सिंपली जो भी ऑप्शन आप पिक करते हैं ऑप्शन बार से उसको पिक करने के बाद वर्किंग एरिया पे माउस के बटन को प्रेस करके हम उस पर ड्रैग करते हैं और जैसे जैसे ड्रैग करते हैं हम उसके ब्रश के फ़्लो को चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे हम उसको ओपेसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज़ करते हैं उससे हमारे जो ब्रश है और जो उसके स्ट्रोक्स है उसमें क्या डिफरेंस क्रिएट होता है और किस तरह के स्ट्रोक्स क्रिएट होते हैं सो दिस इज़ ऑल फॉर टूडेज़ क्लास विल कंटिन्यू दिस चैप्टर नेक्स्ट टाइम टिल देन स्टे सेफ़ एंड गुड बाय